नमस्कार दोस्तों, आजकल एक योजना चली हुई है सोलर लगवाने के लिए, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना, जिसमें आप अप्लाई करके अपने घर की छत पर सोलर प्लेट लगवा सकते हो और बिजली की बचत कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से हम उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जाके प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पे आपको टाइप करना होगा पीएम सूर्य, पीएम लिखते ही पीएम सूर्य घर आ गया ये। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एप्लीकेशन आ गया है अशोक स्तंभ वाला, इसको आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इस वाले ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों ये वाला ऐप मैंने अभी डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर में जाके। अब इसमें जाके हम लोग आगे देखते हैं क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में ये सेटिंग में सभी हम लोग इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद में नीचे लिखा आ रहा है कि अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, ये वाली जो जगह है यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें जब क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए आ गया, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू यूजर और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू यूजर और रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले। स्टेट जैसे कि मेरा राजस्थान है, तो मैं यहाँ पे इसमें राजस्थान डाल दिया हूँ। उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो अलवर है, तो मैंने अलवर डाल दिया है। बिजली की कंपनी हमारी लगती है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में अकाउंट नंबर, मतलब यहाँ पे जो बिल में जो के नंबर दिया होता है वो यहाँ पे लिखना होता है। अभी मैं यहाँ पे के नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे के नंबर मैंने डाल दिया है। के नंबर के बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, इस पे मैसेज आ जाएगा आपको, और यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देंगे। इन फ्यूचर में कोई भी यहाँ पे मैसेज आएगा तो इस पे जरूर आपको सूचना मिलती रहेगी। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी भी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे एक ओटीपी चला गया और जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे आ गया। इससे आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि ये आप वाले अकाउंट में ही लॉग इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि मैं इसी अकाउंट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। तो ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और ओटीपी जो गया है वो आपके मोबाइल पे चला गया है, तो वहां से ओटीपी यहाँ पे अभी इसमें डाल देते हैं ओटीपी। तो यहाँ पे मैंने ये ओटीपी डाल दिया है। अब यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे नाम आपको कन्फर्म हो गया, यही नाम है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका ही चल रहा है। जब आप के नंबर दबाओगे तो उसके बाद में नीचे जाने के बाद में ये नाम आ जाएगा जब आप ओटीपी भेजेंगे तब। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये सक्सेस का मैसेज आ गया आपको सामने। तो इस तरह से ये सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और वापस से मेन मेन्यू में आ जाना है। यहाँ पे जो लॉग इन का ऑप्शन है, यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर डाल देना है। तो ये नंबर जब डालोगे तो आपका जो ओटीपी वापस से भेजना है, तो ओटीपी आएगा उससे आपको डायरेक्ट ये लॉगिन हो जाएगा। तो डाल दिया है, तो इसको सबमिट करता हूं। तो ये यहाँ पे लॉगिन हो गया है। पासवर्ड यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसको फिलअप करना है। इसको फिलअप करने के लिए सबसे पहले राजस्थान आ गया, उसके बाद में कंपनी का नाम ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका, उसके बाद में डिविजन का नाम, डिविजन नेम। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग एरिया होता है। तो हमारा बहरोड लगता है, नीमराना लगता है, तो उस हिसाब से आपका अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जो कैंडिडेट का अप्लाई कर रहा हूँ उनको लगता है किशनगढ़ बास XEN, जो XEN आपका लगता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो वो सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके अंडर में उनका जो आता है वो तिजारा लगता है, तो ये तिजारा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आपका अलग अलग जो AEN लगता है, जैसे हमारे मेरे गाँव में नीमराना बहरोड लगता है, तो बहरोड XEN लगता है, नीमराना जो लोकल में लगता है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है, है ना। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो के नंबर आपका हो आ गया है, उसके बाद में सेंक्शन लोड, जो बिजली में जो लोड होता है मेनली घर का, वो 1 किलोवाट का ही होता है, उसको 1 लिख लेना है। उसके बाद में कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। कैटेगरी आपकी रेजिडेंशियल मकान है तो रेजिडेंशियल। उसके बाद में कितना किलोवाट का लेना चाहते हो, तो मेनली 3 किलोवाट का ठीक रहता है, जिसमें सभी एसी फ्रिज कूलर आप आसानी से चला सकते हो, तो वो लिखना है। उसके बाद में कैपेसिटी ऑफ सोलर प्लांट इफ एनी एग्जिस्टेड, मतलब आपने कोई लगा रखा है तो उसकी यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। तो कोई लगाया नहीं है तो उसको छोड़ दो वहां पे। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नाम है वो नाम डाल देते हैं।
तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो नाम है वो डाल दिया है, उसके बाद में कैटेगरी ओबीसी जनरल तो ओबीसी कैटेगरी है तो वो डाल दिया, उसके बाद में जो एड्रेस जिस एड्रेस पे आपको लगवाना है वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है, उसके बाद में कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है, एड्रेस डालने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको पिछला कोई भी एक बिल है 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, उस बिल की यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, जेपीजी पीडीएफ जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में आप उसको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूं। तो ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो गई है दोस्तों, फोटो अपलोड होने के बाद में इसको सबमिट कर देता हूं। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, योर सोलर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा आ रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड एक्नोलेजमेंट कर लेंगे, तो इसकी रिसिप्ट भी यहाँ पे डाउनलोड हो गई होगी और इसका जो ये नंबर है एप्लीकेशन नंबर है वो हमको मिल गया है, इस नंबर को जाके हम बाद में ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं तो इस तरह आप अपना मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।